मैगी मैगी मैगी, ये 12 वाली मैगी। ये 10 वाली है। ये 10 वाली है। हाँ। ओके। साइज कम कर दिया कमी ने। हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी टेस्टी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रीस भाई साहब हमें बनाकर खिलाने वाले हैं गर्मा गर्म मसालेदार मैगी। मैगी हम सब लोग वैसे नॉर्मली अपने घर में बनाते रहते हैं, लेकिन ग्रीस भाई साहब अब की जो मैगी बना रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, और उनका कहना है कि इस तरीके से मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखते हैं ग्रीस भाई साहब जी का कौन सा नया तरीका है ऐसा जिससे मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। और ये जो तरीका है, ये तरीका ग्रीस भाई साहब जी सीख के आया हिमाचल से। हिमाचल गए थे अभी घूमने के लिए, तो वहाँ के होटल के किसी शेफ से ये सीख के आए हैं। तो देखते हैं ग्रीस भाई साहब जी क्या सीख के आए हैं और हमें क्या बनाकर खिलाने वाले हैं, किस तरह बनाकर खिलाने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यो चीजू का, चीजू का, चीजूड़ी चीजूड़ी, ओ वेला बच्चा, ओ वेला बेबी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। का कर ले हो? प्याज काट रही हूं। प्याज काट के फिका करोगे? गिरीशी कह रहा है मेरी बहन घर में आई है, मैं उसको अपने हाथ से एक नया मैगी बनाने सीख के आया हूँ, उसको खिलाओ। तो आप फिर अभी प्याज छील ले हो? हाँ, मेरे से कह रहा है प्याज और टमाटर काट के रख दो और मैं अपना आप करूँगा। आप असिस्टेंट हो उसके? प्याज टमाटर काट दिया तो पीछे वो क्या करेगा? ऐसे ही होता है, नहीं जो कर रहा है वो पूरा करेगा। ये थोड़ा कि हाँ प्याज टमाटर काट के रख दो फिर मैं बनाऊंगा, पूरा ही बनानी चाहिए थी, ऐसे थोड़ा होता है। ये तो तुम्हारा है, हमारा नहीं है। ये ये देखो मम्मी को काम पे लगा के महाराज खुद लैपटॉप पे लगा हुआ है, देखो इसको बीजी महाराज। छी छी कितना गंदा है ये, नाक में उंगलियां डालता रहता सारा दिन, देखो इसे नाक में उंगली डाल के फिर मेरे को कहेगा खा ले। खाती है फिर तू? तू कौन सा नहीं खाती? छी, ये देखो पिद्दू पिद्दू सा प्याज, पिदकू पिदकू सा प्याज। ये देखो कितना ढेर लग गया छिलकों का, कितने निकाल लिए? ओ इतने निकाल लिए। दो टमाटर पड़े हैं, थोड़ा सा अदरक पड़ा है साइड में। तो आज गिरीश महाराज जी कुछ नई प्रकार की मैगी सीख कर आए बनानी, वो बनाकर खिलाने वाले हैं मुझे, क्योंकि मैं हूँ स्पेशल गेस्ट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यो क्या कह रहे मम्मा? दो दिन गेस्ट रहोगे, तीसरे दिन जा काम कराऊंगी। आप मुझसे काम करवाओगे? जी। मैं ससुराल में भी काम करूँ, मैं मायके में भी काम करूँ? काम करके तो बच्चा तगड़ा रहता है, मतलब मुझे कोई फायदा नहीं है आने का, मैं तो छुट्टी काटने आई हूँ। मायके में लड़कियां मजे लेने आती है जिंदगी के, अब यहाँ भी काम करो। माँ का पड़ेगी मजा आई है तो देखो। आप अपनी बहुओं को सिर पे करो। ये कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे, मिलजुल के करेंगे। मेरे को बहुत सारी चीजें बनानी आती है, अच्छी अच्छी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगा। ओके, अभी तुमने आलू के वो बनाने है। क्या बनाने? आलू के दम आलू, दम आलू खाने हैं। ठीक है, दम आलू। ये देखो मेरी मम्मी का नया स्टाइल, मेरी मम्मी मंगलसूत्र पीछे पहन दिए हैं देखो। अच्छा काम काजी मम्मी, बड़ी कैंट। ऐसा थोड़ी है, 5 बजे होने वाली मम्मी है तुम्हारी, तो 8 बजे। जहाँ जाओ, मायके जाओ चाहे ससुराल जाओ, तान नहीं सुनते रहो। देख लो मेरे हालात, तो मेरा तो जी नहीं आ रहा मैं दोनों तरफ। तो अब टाइम है प्याज को काटने का, और प्याज रहा है कट। बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और ग्रीश भाई साहब मार रहे हैं ताली, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फ्लैशलाइट से काम चलाएंगे ना अभी मम्मी।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रिंग लाइट जरूर लगाएंगे हम और रोशनी रोशनी कर देंगे चारों तरफ। तो अभी प्याज रहा है कट, उसके बाद कटेगा टमाटर। मम्मी आप क्या बोलते हो, बोलना टमाटर क्या है? टमाटर। देखा मम्मी भी टमाटर बोलती है दोस्तों, सुन लो, इसीलिए मैं भी टमाटर बोलती हूँ। लोग मेरे को कमेंट करके ना स्पेशल बोलते हैं कि दीदी टमाटर होता, टमाटर नहीं होता। प्रिंस भैया भी घर आए थे ना, कह रहे टमाटर काट रहे हो दीदी, टमाटर। टमाटर देखा, मेरी माँ टमाटर बोलती है इसलिए मैं भी टमाटर बोलती हूँ। टमाटर कट रहा है, टमाटर कट गया है, टमाटर कट चुका है। बिल्कुल बारीक हो है ना, सही बात है, बारीक हो मजा तभी आता है। ये टमाटर टमाटर टमाटर। मम्मी क्या कर रहे हो, आराम फरमा रहे हो आप? हाँ फरमा रही हूँ। क्या कर रहे हो फिर, ऐसे क्या करते होते हैं, ऐसे काम करते हैं लेट के? मेरा हाथ। अच्छा आपका हाथ दुख रहा है? चिबो लाली मेरी मम्मी का हाथ दुख रहा है, मेरी मम्मी के लिए दुआएं करो मेरी मम्मी का हाथ ठीक हो जाए। सच में पिछले काफी टाइम से मम्मी के हाथ में काफी प्रॉब्लम हो रही है, देखो नील भी पड़े हुए, मालिश करवाई थी हाथ की, नील पड़ गए और अभी मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। पीछे से यहाँ कॉर्नर से ना पूरी ये हड्डी बाहर से निकल गई है, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का, होप सो जल्दी ठीक हो जाए। मैगी मैगी मैगी, ये 12 वाली मैगी। ये 10 वाली है। ये 10 वाली है। साइज कम कर दिया कमी हमने। आप सभी का स्वागत है गिरीश भट्ट की रसोई में। तो आज गिरीश भट्ट बनाने वाले हैं मजेदार स्वाद एकदम टेस्टी मैगी, ऐसा ये कह रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने मेरे पास्ते की, मेरे कढ़ाई पनीर की बेइज्जती की थी, उस तरीके से ही मैं पूरा बदला नहीं लूंगी। ओ माय गॉड, नजाकत, कैंची नहीं संभाली जा रही। ओहो ये देखो माता रानी जी मोबाइल ढूंढ रही हैं ताकि वो गिरीश का व्लॉग देख सके। और दोस्तों मेरी आ चुकी है, रिंग लाइट लग चुकी है। चार चांद लग चुके हैं रसोई में और एक काला धब्बा ये खड़ा है। गिरीश तेरी शक्ल जो चांद का गड्ढा होता है ना, तेरी शक्ल वैसी है, तू गड्ढा है चांद का। प्रभु से पूछ क्या हूं मैं। ओ माय गॉड, वो भी एक एक गड्ढा ही हो। जिसमें मैं गिर गई हूँ। भाभी भी ये कहेंगी गिरीश वो खड्डा है जिसमें मैं गिर गई हूँ। ये देखिए माँ जी ने काट दिया था सामान। अच्छा पानी डाल के, अच्छा डायरेक्ट ही डाल दो। अच्छा पकाना पकाना नहीं है इसे? इसका रीजन ये है ना कि जो ये चीजें हैं ये तो हम कच्ची भी खा लेते हैं। कच्ची कोई प्रॉब्लम करती है, हम सलाद के साथ खाते हैं, कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो हम फिर ऐसे को करने लग जाते हैं बाद में। ऐसे तो कोई नहीं करता भाई। तू करती है? मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसे। लिंडी जैसी शक्ल है तेरी। खाना बनाते समय भी मेरे भाई के मुंह से लिंडी निकलती है देख लो। और तू रिकॉर्ड कर रही है, वाह। क्या करूं फिर मैं? ना कर, काट दे उस चीज को। क्यों काटूं उस चीज को? आइडियल गिरीश भट्ट लिंडी लिंडी कितना करता है, लोगों को पता तो लगे लिंडी फेवरेट है। खाना बनाते समय लिंडी, खाते समय लिंडी, निकालनी तो खैर है ही लिंडी। मसाले पड़ रहे हैं, मसाले स्वाद अनुसार। मैं भी मेरी हर वीडियो में ऐसी बोलती हूँ, अपने स्वाद अनुसार मसाले डाल लीजिए। बताया बंदा क्या बताया उसमें। ये तो तुक्का होता है, अपना ही मजा होता है, किसी को अपने आप ही सेंस होती है इतना ही डलेगा। पर चीज हमेशा कम डालो। सही बात है,
बाद में कुछ नहीं कर सकते आप। सही बात है, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले जो करना है कर लीजिए। इसको बनने दो, कटने दो पूरा। ये देखो ये कम नहीं लग रहा पानी, अब कम ये भी कट रहा है ना, पानी तो बाद में एक्स्ट्रा और डलेगा। अच्छा कम है, बढ़ा सकते हो, मगर ज्यादा पानी हो गया इसको कम नहीं कर सकते। ओहो क्या ज्ञान बांटा है भाई साहब आपने, आपको और दिया जाएगा। कम यूज करो, तेल कम यूज करो, सामान कम यूज करो, खाओ कम। हगो ज्यादा, खाएगा कम आदमी, हगेगा क्या नहीं। मैगी वाला आया जल्दी पलेट निकाल, पलेट में मैगी डालो और खा जा। वाह क्या सुर लगाया आरती बेटा तूने, है ना, फैन हो गया ना तू मेरा। मैं तो हाय रे जबरा, ओए रे जबरा फैन हो गया ग्रीश, हाय रे जबरा मेरा फैन हो गया ग्रीश। मेरा बहुत तगड़ा वाला फैन है, ये बस बताता नहीं है। आज ग्रीश ये रात से पर्दा खोल देगी, तू मेरा बहुत बड़ा फैन है। मैं तेरी हंसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, जो तूने मुझसे ही कॉपी की है। पर हर चीज में इनडायरेक्टली क्रेडिट खुद ले जाता है। तुम मेरी कॉपी है बेटे, तू कॉपी पेस्ट है मेरा। हाँ हाँ चल कॉपी पेस्ट ही सही, कुछ तो हूँ, हम एक ही फैक्ट्री से निकले हुए पुर्जे हैं भाई साहब। ये देखिए मसाला दिखा दिए कैसा लग रहा है, ये देखिए लग रहा है ना तड़का लगा हुआ ही, कोई जरूरत ही नहीं है तड़का। ये ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, अगर इसको ऐसी कोली में डाल के खाओ ऐसे भी स्वाद ही लगेगा मेरे को लग रहा है। मुंह में पानी नहीं आ रहा तेरे? हाँ मम्मा ये देखो मम्मी नुक्स निकाल रही है। मम्मी कह रही है जब कोई घर में आता है तो डिनर सेट में खाना खिला दिया करो बेटा, स्टील की थालियों में खिला रहे हो। मेरी माँ व्लॉग देख के मेरी बेइज्जती कर रही है। गूंगा बोला सही बात है। अरे नहीं, तब तो मेरे को कह दिया हाँ इसी में खिला दूंगी, बाद में उसको ही संभाल लिया। संभाल क्या लिया, तेरे सामने वही पड़ा था, मेरे को याद ही नहीं रहा, काम के चक्कर में भूल गई मैं। तूने कौन सा काम किया भाई? मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, काम तो सारा तू कर रहा था, सॉरी मैं भूल गई। इतना बेकार बनाया तूने, मेरे घर में आके इतना काम किया ना इस लड़के ने। बासमती का थे अरे रिचौड़ी जो हो गया वो, अरे ये तो फटा ही पड़ा है बढ़िया। चावल तो वो लग रहे थे बड़े स्वाद। सीसीटीवी की तरह कैमरा ऊपर ही रहता है, कुछ बोल भी नहीं सकता ग्रीश। क्या कुछ बोलना, अच्छा तो था खाना सारा। सही बात है, मैं तो तेरे को जहर भी खिला दूं तू वो भी खा लेगा खुशी खुशी, है ना। तू बनाती जहर है बेटे। हाँ, जहर खा खा के तू जिंदा अभी तक। पानी नहीं डाला इसमें, डाल दिया है। फिर कैसे सब कुछ होएगा बेटे, तू देखी यार क्या होगा। तू करना क्या चाह रहा है इसके साथ? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसके साथ ओवर काम ना हो, कुछ भी कम हो जाए कोई चक्कर नहीं है। वो भी नहीं करना, स्टील की थाली इसको थोड़ा सा इतना तो हो कम से कम, कि भीगे तो सही उसमें इतना पानी तो। बेटा ये मेरा स्टाइल है। अच्छा ओके सॉरी मैं भूल गई थी, ये ग्रीश का स्टाइल है। हम ग्रीश की रसोई में खड़े हैं और ग्रीश हमें मैगी बनाना सिखा रहा है, ना कि हम ग्रीश को। यू शट अप आरती जोशी, चुप करके कंसंट्रेट करो, देखो भाई सब क्या बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलना। भाई साहब बेवकूफ बना रहे हैं। ये भाई साहब ने क्या बनाया, बेवकूफ। फिल्टर वाला पानी क्यों नहीं डाला? क्योंकि पानी गर्म होके अपने आप ही सब कुछ कीटाणु मार देता है, फिल्टर वाला पानी वेस्ट क्यों करना। कीटाणु जो मरेंगे उसकी डेड बॉडीज तो इसके अंदर ही रहेंगी, फिर क्या हो गया, सांस में भी कीटाणु आते हैं तो वो तो नाक में बाल है फिल्टर हो जाते हैं। दूध उबल रहा, तू बता रहा था कि दूध उबल रहा, तो उठ के गैस बंद करने नहीं आया, तू भी तो कितना महान है। मैं काम कर रहा था।
काम कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था, हाथ तो फ्री थे तेरे, गैस तो बंद कर सकता था। ओ दूध उबल रहा है, 10 जने घर में दूध उबल रहा, कोई देख नहीं रहा, कह रहा है तूने देख के क्या कर लिया। थोड़ा टाइम इसको रहने दो ऐसे, ठीक है इसको उबलने दो। हम मुद्दे से भटक गए थे, देखिए मैगी की तरफ कितनी स्वाद बन रही है। अभी थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे पकने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या तैयार होगा। एक बार फिर से गिरीश भट्ट जी अपनी पोजीशन पे खड़े हैं और मैगी को तहस नहस कर रहे हैं। ये देखिए मैगी, देखने में पता लग रहा है मैगी है, मैगी देखने में पता लग रहा है कि मैगी है। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो आप, मतलब इतनी ज्ञान की बातें कैसे बताते हो गिरीश भट्ट आप। अच्छा मुंह से बताते हो आप। आपको बोलने का मौका नहीं दूंगी मैं। किया ना, बड़ा अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ये अपन का स्टाइल है बेबी। तो बन गई मैगी, बन गई मैगी, बन चुकी है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, मक्खन घी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। अंग्रेज डालो जो मर्जी डालो, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, गिरीश कह रहा है चाहे घिया डाल दो। स्वाद अनुसार घिया भी डाल सकते हो, और कुछ आपने खाना है जो आप बनाओगे वो आपने खाना है, उसके जिम्मेवार आप खुद हो गए। गिरीश भट्ट की स्टेटमेंट, लिचोटी बना दिया गिरीश तूने। खा के देखना बेटे, मैगी ना ऐसे खड़ी खड़ी से चल रही। माँ ये देखो मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी देख रही हैं गिरीश का व्लॉग, देखो 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 व्लॉग देख रही हैं, देखो देखो। मम्मी गिरीश कह रहा है मैगी डाल दो, पहले कह रहा है प्याज बटर काट दो, अब कह रहा है मैगी डाल दो। खुद से कुछ करता है मम्मी ये, हर चीज़ में आपको ऐसे करता रहता है। क्यों तंग कर रहा है मेरे को, क्यों तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है। मम्मी मैगी दे दो, ठंडी हो रही है। देखो मम्मी कैसे चिपकी पड़ी है, देखो व्लॉग के साथ। ये नहीं कि बेचारों को भूख लग रही है, बच्चों को खिला दूं कुछ इनको। यही आधी आधी फिल्म देखते हैं और नहीं तो क्या। रिश फिर से एक बार फेस एक्सप्रेशन दिखाना अपना, ये कहाँ से सीखा आपने, पैदाइशी आता है आपको, आपकी शक्ल ही ऐसी है। ओके तो फ्रेंड्स अभी हम बैठे हैं, मम्मी लाएंगी मैगी, हम कर रहे हैं वेट मैगी का। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, मेरे भाई ने स्पेशल मेरे लिए मैगी बनाई है, क्योंकि मैं स्पेशल आई हूँ दिल्ली से निकल रहा है, मुझे गाजियाबाद से स्पेशल आई हूँ अपने भाई को मिलने के लिए। और मेरे भाई की हरकतें देखिए ज़रा, मेरे लिए इसने स्पेशल मैगी बनाई है और खुद ही हपड़ रहा है सबसे पहले, ये नहीं कि बहन को पूछ लूँ। पता क्या है, जो आदमी बनाता है वो पहले टेस्ट करता है कैसी बनी है। ये मेहमान नवाजी का कोई तरीका नहीं होता भाई, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये, सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए था। ये देखो पा दौर मार के चला गया, पदौड़ा कहीं का, इतना गंदा है ना ये, इतना गंदा क्या बता दूं, इतनी पादे मारता, खाता कम है ये, पादे ज्यादा मारता है। किसी ने मैगी और खानी है, क्या कह रहे मम्मा, किसी ने और मैगी खानी है। और मैगी को पहले कितनी खिला दिया आपने। और लेनी है। ऐसे बोलो किसी ने मैगी खानी है, मैगी आगे देखा आती, मजा। क्या करे मम्मी, बहुत स्वाद बनी है ये। मम्मी को देखो, यही बर्तन मिलते हैं, पतेला मिलता है, कढ़ाई मिलती है, जिस बर्तन में भोजन बना है मम्मी उसी में खाना पसंद करती हैं, क्योंकि हम हैं पहाड़ी, क्योंकि हम हैं उत्तराखंडी। और मम्मी कैसी बनी है मैगी तो बताओ, आपने खाई अभी टेस्ट की, बहुत स्वाद बनी है ग्रीश, बहुत स्वाद, बहुत स्वाद। तू खा के बता कैसी बनी है। आरती खा के बताएगी कि कैसी बनी है, चल खा। वैसे मैं घास डालना भूल गया इसमें। वाह वाह क्या बना है, वाह वाह, झूठ बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। तो मैगी बनानी आती ही नहीं है सच में। पहले तो इसने खा के स्वाद आया, फिर उसको याद आया कि इसने मेरी बेइज्जती की थी दिल्ली में। फिर इसने इसकी बेइज्जती की है मैगी की, सब समझता हूँ बांदरी बदला। देखो हमारे घर में कौन आया, नहीं हटेगा
देखो हमारे घर में कौन आया। चाचा पागल हो गए ना बेटा, चाचा क्या कर रहे हैं? पर्स मेरा लेकर खुश हो रहे हैं। पर्स मेरा लेकर खुश हो रहे हैं। अच्छा ये देखो, स्नाया का पर्स लेके खेल रहा है छोटा सा बाबू। इसमें बहुत सारे पैसे हैं बेटा। हाँ ले लो, आप ही ले लो। हाँ ले लो, आप ही ले लो। बहुत बड़ा दिल है हमारी स्नाया का। हाय बोल दे बेटा सबको। हाय कैसे हो? आप ठीक हो? हम भी ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आरती के भी जल्दी से जल्दी 100K करवा दो दोस्तों। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। आहा, आहा।